सभी कार्यकर्ता मन के निगाह उन करें तरफ देखी कुछ ना कुछ लक्ष्मी नाम है तो दे ऐसा हमार मंत्री लक्ष्मी नारवाड़े जी मंच पर भी राजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, लुंड्रा के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय प्रबोध भैया, हमारे भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय ललन भैया, वरिष्ठ नेता हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय अनिल मेजर भैया, उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी के सभी अतिथिगण, और सामने विराजमान सरगुजा के सभी ओबीसी मोर्चा के देवतुल्य प्रमुख जन, सभी को प्रणाम करता हूं। और आप लोगों का विधानसभा में हम लोगों को आशीर्वाद मिला, इसके लिए आप लोगों का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। होली की अवसर है, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। सभी वरिष्ठ जनों ने काफ़ी बातें रखी, राजन भैया बोले 52% है, सबे जे भाजपा तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो भाजपा भी भाई सरगुजा संभाग से 3 मंत्री में से 2 मंत्री ओबीसी लदेही से, भाजपा भी कमी नहीं रखे ओबीसी लदे बात का ध्यान रखना है। हमन तो भाई चौचौहाए ही ओबीसी वाला मन हाथ मारी ने है ना, तो भाजपा भी देह में कमी नहीं करे ओबीसी ला। हमारे एचएस भैया बताई बहुत बढ़िया बात कि 2014 तक देश कहाँ रहीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आए के बाद कहाँ रहीस। निश्चित रूप से भारत के विकास में जो योगदान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुई से आदमी कल्पना नहीं करे रहीस। ओकर साथ साथ जो सबसे बड़ा योगदान हुई सनातन धर्म ला जो मजबूत करी, वो भी अपन आप में अनूठा है। हमन मल्ला संकोच लगे लागी अपन परिचय बताए में, आज गर्व से कहती कि हम सनातनी ही, ये नरेंद्र मोदी जी के देन थी। जे हिसाब से विकास के कार्य चलते हैं, जे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी एक एक गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति के प्रति ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से आज हमर मौका आई है कि हमन बदला उनकर ऋण चुकाना है कहला या जो भी कहला होला, लेकिन आज समय है कि तीसरी बार उनका प्रधानमंत्री बनाना है और 400 बार बनाना है। और जैसा मेजर साहब बोली कि हम लोग अपन सीट में ध्यान देना है, तो मैं तो यही कहूँ कि पिछले बार 1.5 लाख नहीं तभी 3 लाख का पार करना है, हमन मान ले कि 400 पार हम कर दें अपन तरफ से, बाकी देख मन जाने। निश्चित रूप से पूरा 11 सीट सरगुजा जीता थी, छत्तीसगढ़ के 11 सीट जीता थी और 400 के पार भी हुआ थे, क्योंकि ऐसा करिश्माई नेतृत्व कभी न देखे रहे न सोचे रहे, सोचे भी नहीं रहे कि शौचालय पर सोची, आवास पर सोची, मतलब ऐसा ऐसा काम जेकर पर आदमी कल्पना नहीं करे रही कि हमार माता बहन मन पर गैस कोई कल्पना नहीं करे रही कि गांव में गैस की जरूरत पड़ी, लेकिन आज गैस के आज से कितना आराम हुई। शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं है, माता बहन मन के कितना बड़ा समस्या दूर हुई कि भोर होंगे या फिर रात में इंतजार करना पड़ा, साथ में जब से शौचालय बनी से गांव में पेची सब मलेरिया के बीमारी खत्म होगी, साथ में ध्यान था रोड किनारे के खेत मन में लेबर नहीं मिलत रही, कितना गंदगी रह लगी, तालाब मन में आदमी घूम नहीं पा रही। आज लखनपुर में जाके देखा 20 तालाब में सब तालाब में पार्क बन गई से लोग मन वॉक कर रहे थे, तो मोदी जी के देन है शौचालय बनाई, स्वच्छता ला बढ़ाई, गंदगी हटी। तो डेवलपमेंट के साथ साथ गांव के छोटे छोटे काम ला भी ध्यान दही, ऐसा हमारा देवतुल्य प्रधानमंत्री मिलिन है, तो निश्चित रूप से हमन मन के कर्तव्य है कि हमन भी उनका साथ दी
और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सब प्रमुख मन बैठे ही आप मन के बातला गांव में सब जगह मानल जाए स्वीकारल जाए। ओकर उदाहरण है कि भाई हमन मन भी जीते ही तो आप मन के कहीं ना कहीं मार्गदर्शन गांव वाला मला मिलिस आप मन के आशीर्वाद मिलिस। तो निश्चित रूप से ये नहीं सोच रहा है कि समय बहुत है, जितना समय है उसका पूरा उपयोग करना है और पूरा समय मोदी जी ला देना है ताकि हमारे चिंतामणि महाराज जी इतना वोट से जीत के जाए कि अलगे चिन्ह मोदी जी का कि हाँ भाई सरगुजा से आई है। यही निवेदन करत हूँ। वक्ता बहुत रही, टाइम भी बहुत होते, हमन मन लगी आउ कार्यक्रम में जाना है, एक अपन बाड़ी ला विराम देते हूँ। धन्यवाद। एक बात मैं